हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। आपको बता दें, यूपी ग्राम प्रधान आरक्षण सूची को लेकर एक ताजा खबर निकल कर आ रही कि यूपी पंचायत चुनाव में 11 फरवरी का यानी पुराना शासन आदेश रद्द, जानिए अब ऐसे तैयार होगी आरक्षण लिस्ट। तो चलिए जानते कि पंचायत चुनाव में कैसे तय होता है आरक्षण, इस नए आदेश के बाद क्या होगा बदलाव, किन किन उम्मीदवारों के बदल सकते हैं समीकरण, वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर सीटों पर आरक्षण लागू करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पूरा कराने के लिए सरकार और आयोग को 10 दिनों के अतिरिक्त समय प्रदान करते हुए समय सीमा 25 मई तक तय कर दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार को 11 फरवरी 2021 के शासन आदेश को भी रद्द कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि युक्त शासन आदेश लागू करने से आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा हो जाएगी। ये आदेश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने अजय कुमार की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में 11 फरवरी 2021 के शासन आदेश को चुनौती दी गई थी। साथ ही आरक्षण लागू करने के रोटेशन के लिए वर्ष 1995 को आधार वर्ष मानने को मनमाना करार दिए जाने की बात कही थी। न्यायालय ने 12 मार्च को अंतरिम आदेश में आरक्षण व्यवस्था लागू करने को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी थी। सोमवार को महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए माना कि सरकार ने वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानकर गलती की है। उन्होंने कहा कि सरकार को वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू करने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। याची के अधिवक्ता मोहम्मद अल्ताफ मंसूर ने दलील दी कि 11 फरवरी 2021 का शासन आदेश भी असंवैधानिक है, क्योंकि इससे आरक्षण का कुल अनुपात 50% से अधिक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक निर्णय की नजीर देते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार के एक मामले में शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार के शासन आदेश को रद्द कर चुकी है। न्यायालय ने मामले के सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद 11 फरवरी 2021 के शासन आदेश को रद्द कर दिया है। इसी बीच आपको बता दें कि समय सीमा बढ़ाने का भी अनुरोध हाईकोर्ट ने स्वीकारा। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता और चुनाव आयोग के वकील अनुराग कुमार सिंह ने कहा कि वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण प्रक्रिया पूरा करने में और वक्त लग सकता है, लिहाजा पहले दी गई समय सीमा को 17 मार्च से बढ़ाकर 27 मार्च कर दिया जाए। साथ ही ये भी मांग की कि चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए पूर्व में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा को लेकर भी 15 मई से बढ़ाकर 25 मई कर दिया जाए। सरकार और आयोग के अनुरोध को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने 27 मार्च तक रिजर्वेशन प्रक्रिया फाइनलाइज करने के आदेश दिए हैं। हर कोई अब ये जानना चाहता है कि कोर्ट के आदेश के बाद अब क्या बदलाव होगा। बहुत लोगों को आरक्षण तय होने की प्रक्रिया के बारे में कम जानकारी है। आपको बता दें, आरक्षण दो तरीके से होता है। दो तरीके से आरक्षण लगाने की प्रक्रिया है, लॉटरी और रोटेशन या चक्रानुक्रम आरक्षण व्यवस्था। लॉटरी व्यवस्था में आधार वर्ष के हिसाब से सबसे पहले आरक्षित सीट को अलग किया जाता है। जैसे महिलाओं के पिछले चुनाव में जो सीट आरक्षित की गई थी उनको अलग करके बाकी के लिए लॉटरी निकाली जाती है। इसी तरह हर तरह के आरक्षण के लिए भी किया जाता है। इसी तरह आपको बता दें कि रोटेशन या चक्रानुक्रम आरक्षण में जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वो अगले चुनाव में उस वर्ग के लिए सीट आरक्षित नहीं होगी। इसके लिए एक तय चक्र है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।